अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैमुना माजिद। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम यूएई की मार्केट में, अमेजोन की यूएई की मार्केट में विदाउट एनी ई ट्रेडिंग सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलसी हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं। हम इजीली अपना जो है कि बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी अपना अमेजोन स्टोर जो है, अमेजोन का डैशबोर्ड स्टार्ट करूंगी। ये मेरा अमेजोन अमेजोन यूएई का सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है कि ये मेरा स्टोर नेम है। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, आपको एक स्टोर नेम रखना होता है, और स्टोर नेम आप एक दफा रखते हैं। जब आप बार बार चेंज करते हैं तो अमेजोन आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है। आप एक ही दफा चूज करके रखें, ठीक है। ये अमेजोन, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको जो है मार्केट प्लेस आपको दो या तीन ओपन होती है। मेरा मेरा जो है अमेजन, मैंने तकरीबन, मैं साल हो गया मुझे ये स्टार्ट करते हुए। ये वाला मेरा जो अमेजोन का सर सेंट्रल है, तो मुझे अब उन्होंने, अमेजोन ने 6 मार्केट्स जो है अलाउ कर दी है कि मैं इन 6 मार्केट्स में अपना स्टॉक कर सकती हूँ, अपनी लिस्टिंग कर सकती हूँ, और मैं इधर अपना बिजनेस कर सकती हूँ, ठीक है। इसके लिए आपके अकाउंट की हेल्थ बहुत अच्छा होना जरूरी है। चाहे आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल हो रही हो, स्टॉप ना हो। अभी ये मेरी फ्रेश जो है कि सेल है 19 दिसंबर 2023 की। इससे पहले मुझे एक सेल आई 17 दिसंबर 2023 की, ठीक है। मेरे ज्यादा पुरानी सेल है नहीं ये। आपको सेल आपको होती है कि चलती रहती है, समटाइम आपको डेली आ रही थी या समटाइम्स स्टॉप हो जाती है, नो मैटर। मैंने अभी फिलहाल इस अकाउंट पे अपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, ठीक है। बाकी मेरी प्रोडक्ट जो है वो रीस्टॉक हो रही है। तो ये जो मेरा अकाउंट है, ये मैंने किसी भी ई ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के बगैर और एलएलसी कंपनी को रजिस्टर किए बगैर मैंने ये अकाउंट अपना ओपन किया है, ठीक है। हमें सिर्फ इसके लिए एक जो था ईमेल चाहिए चाहिए एक नंबर चाहिए, यूएई का नंबर चाहिए, जिसपे हमें अमेजोन ने एक ओटीपी सेंड करता है, और वन टाइम पासवर्ड, जिससे हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। और उसके अलावा हमें एक आइडेंटिटी कार्ड, जो हमें अगर पाकिस्तान से खोल रहे हैं तो चिप वाला आइडेंटिटी कार्ड हो, यूएई से खोल रहे हैं तो आपको वहां का नेशनल आईडी कार्ड होगा। और उसके साथ एक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और जो आईडी कार्ड है और बैंक स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस और नेम सेम होना चाहिए। वो अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो आपका अकाउंट जो है वो एलिगेशन लग जाएगा, आपको वो अकाउंट नहीं खुल सकेगा, ठीक है। ये बस चंद चीजें चाहिए ना, आपको इसमें एलएलसी की जरूरत है ना ई ट्रेडिंग की जरूरत है, ई ट्रेडिंग सर्टिफिकेट की जरूरत है। और इसमें आपके पैसे भी नहीं लगते, बहुत इजीली ये ओपन हो जाता है और आप इस पे अपना बिजनेस रन कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, हेल्दी जा रही है। ऑर्डर्स मेरे, जो मेरा लास्ट ऑर्डर था वो 19 दिसंबर को था। अभी मेरा फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं है, मेरा को बायर का कोई मैसेज भी नहीं है। टोटल बैलेंस इस वक्त मेरे पास इतना है क्योंकि मैं ट्रांजेक्शन पहले से निकलवा चुकी हूँ। आईपीआई ये भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बस जो होता है एक डिपॉजिट मेथड आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बैठे बैठे आप यूएई में कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा कह लें सोल्यूशन है। वो जब आप अकाउंट खोलेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये मेरे अकाउंट का मेन्यू है। यहाँ से कैटलॉग, हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं। इन्वेंट्री में आपको अपने दिखाती हूँ कि हमारी इन्वेंट्री डे बाय डे कम हो रही है, क्यों हमारा अकाउंट जो स्टॉक है वो निकल रहा है। आपके पास यहाँ पे, मैंने यूएई में जब अकाउंट खोला तो मुझे एक फायदा हुआ कि मैं, यहाँ मेरी एक लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग को ही मैं 3 6 मार्केट्स में यूज कर सकती हूँ। मुझे अपनी एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 6 के 6 मार्केट में अलग अलग लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रोडक्शन हाउस से ये वाली जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन वो बनवाई, मैन्युफैक्चर करवाई, देन मैंने उसको अपनी 6 की 6 मार्केट में सेंड कर दिया। तो मुझे 6 की 6 मार्केट में अपनी लिस्टिंग दोबारा नहीं करनी पड़ी, मुझे यहीं से अपनी मार्केट्स ऐड की, मैंने मार्केट प्लेसेस ऐड की, और देन यही मेरी एक ही अकाउंट की, मुझे यहीं से उसने एसिन भी वो कर दिए, अलॉट कर दिए, ठीक है। मुझे उसने एसिन दे दिया, देन मेरे वहां मेरा स्टॉक हो गया
मेरा यूए की मार्केट में, मेरा सऊदी अरब की मार्केट में, और कनाडा की मार्केट है इधर मेरे पास, और एक और मैं आपको मार्केट विजिट कर दूँ कौन कौन सी है, तो वहां पे मेरा सेल होना शुरू हो जाएगी। ये मेरा ये स्टॉक से फिलहाल इतना रह गया है, ये जो मेरा स्टॉक है ये मेरा रिस्टॉक हो रहा है, देन ये मेरी और मार्केट्स इंक्लूड हुई है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको अपनी मार्केट सिखाती हूँ कि मुझे कौन कौन से मार्केट से इन्होंने साइन कर दिए हैं। मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये मेरी जो मार्केट्स हैं ये ओपन हो गई हैं, मैं इन मार्केट्स में इजीली बिजनेस कर सकती हूँ, ठीक है। आप छोटे से स्टार्ट करें लेकिन स्टार्ट जरूर करें। हमारे पास बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरर वेबसाइट है हमारे पास अलीबाबा, वहां से आप कुछ छोटी सी चीज मिलेगी जो आपके बजट में पूरी आ जाएगी। वहां से लें, आप अपनी टेस्ट जरूर करें, आप एटलीस्ट 2-3 मार्केट्स में एक वक्त में काम जरूर करें, ताकि अगर एक आपका ऑर्डर एक मार्केट से आ रहा है तो दूसरा ऑर्डर आपका दूसरी मार्केट से आए, आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो अच्छी जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम आपको मैं दिखाती हूँ, हमने पेमेंट मेथड भी होता है हमारे पास कि हमने अपना जो पेमेंट मेथड है वो कैसे उसको अरेंज करना है, हमने कैसे अपने पैसे निकलवाने हैं। हम वैसे तो अमेजोन हमें 15 डेज बाद हमें डिपॉजिट कर देता है, लेकिन हमारे पास खुद भी ये हमें चॉइसेस दे देता है, हम इधर से रिक्वेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट व्यू है कि ये हमारे इसने कितने रिजर्व, ये कुछ अमेजोन फीसिस होती है हमारी, क्योंकि हमारा हमारा जो स्टॉक होता है अमेजोन की शेल्फ पे रखा होता है, और वहां पे हमारे काफी सारे वर्कर्स होते हैं जो कि उस चीज को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारी थोड़ी अमेजोन फीसिस कट होती हैं, ठीक है। और ये हमारे ट्रांजेक्शन व्यू है कि ट्रांजेक्शन व्यू हमें दिखाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसके जो एक अमेजोन ने हमारी जो थोड़ी बहुत फीस काटी है, बहुत माइनर सी फीस काटते हैं ये, ज्यादा फीस नहीं काटते, सिर्फ वो सिर्फ शिप करते हुए, अदरवाइज अमेजोन कोई भी किसी भी तरह की फीसेस नहीं चार्ज करता हमसे। बहुत आसान है, आप अगर वैसे भी फिजिकली अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको शॉप करंट देना पड़ता है, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कस्टमर को, जो हमारे प्रोडक्ट जो शिप होती है हमें जस्ट उसको देना पड़ता है, और हमारा प्रोडक्ट जो हमारे शेल्फ पे रखा होता है उसका माइनर से चार्जेस होते हैं, ज्यादा चार्जेस नहीं होते, और हमें फिजिकली भी हमें ज़रा हमें जो होता है हमें ज्यादा मसला नहीं होता कि हम जाके चेक करें हमारा खराब तो नहीं हो रहा, बारिश है धूप है कोई मसला नहीं होता, हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेफ होता है, इसमें ये हमें मसला नहीं होता, ठीक है। ये हमारा ट्रांजेक्शन व्यू है, ये ऑर्डर गया था 19 को ऑर्डर आया था, लेकिन ये 20th को हमारा शिप हुआ था बिकॉज ऑफ पेंडिंग पेमेंट की वजह से, हम कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी थी टाइम पे। इस तरह ये हमें व्यू ट्रांजेक्शन व्यू दिखाता है, ठीक है। तो ये था मेरा अमेजोन यूएस सेलर सेंट्रल का एक ओरिएंटेशन मैंने आपको दिया है, ठीक है। एक आपको व्यू दिया है सेलर सेंट्रल का, एक ये व्यू था कि मैंने मुझे इसमें ज्यादा मसला नहीं हुआ, मेरे पास जैसे एक ईमेल था, एक नंबर था यूए का, और मेरे पास एक आईडी कार्ड था, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट थी, देन मैंने अपना अकाउंट खोल लिया विदाउट एनी वेस्टिंग मनी, ठीक है। मुझे पैसे इसमें वेस्ट नहीं करने पड़े, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इजीली ओपन हो गया। आप भी जरूर ओपन करें और इधर बिजनेस करें और फायदा उठाएं।